Shift our attention to the big breaking news update coming in as we speak. It's a big win for the Mandir side in the Gyan Vapi case. The court has allowed puja in the Gyan Vapi. अनुरोध करूंगा कि कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में देखिए हमने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रिसीवर और जिला प्रशासन को मेल कर दिया है कोर्ट के ऑर्डर के बारे में और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस की जाएगी। कोर्ट ने कहा है कि 7 दिन के अंदर वहाँ पे पूजा पाठ का जो भी अरेंजमेंट है स्टार्ट काफी 7 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर काशी विश्वनाथ ट्रस्ट उसकी पूजा पाठ। अच्छा वहाँ पर पूजा किस चीज की होगी, कोई मूर्ति है, कोई भगवान? वहाँ पे जो मूर्तियाँ विराजमान थी, जो सर्वे कमीशन के दौरान जो मूर्तियाँ वहाँ से हटाई गई थी, उन्हीं मूर्तियों की पूजा पाठ होगी। रामायण पाठ होगा, हनुमान चालीसा का पाठ होगा और अलग अलग जो पूजा पाठ चलती चली आ रही थी वही सारी पूजा पाठ की मूर्तियाँ बता दीजिए प्लीज। देखिए वहाँ पे उस तहखाने में विष्णु भगवान की मूर्ति थी, शिवलिंग था, गणेश जी की मूर्ति थी, हनुमान जी की मूर्ति थी, अलग अलग मूर्तियाँ जो उस तहखाने से एसआई को बरामद हुई थी उन सबकी पूजा पाठ के लिए पुजारी भी तय करेंगे काशी विश्वनाथ ट्रस्ट इसकी पूजा पाठ की। फैसला इस केस को कितना अहम, ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है और जैसे राम मंदिर केस में 1 फरवरी 1986 को जस्टिस के एम पांडे ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए पूजा के आदेश पारित किए थे, आज मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इस आदेश को उसी आदेश की तुलना में देखता हूं। विश्व जी ये बताइए इसके बाद तो दूसरा पक्ष है उसके पास क्या विकल्प खुले रह जाते हैं? देखिए मैं दूसरे पक्ष का वही आईडी नहीं है, उनके पास क्या विकल्प है मुझे नहीं पता है। मैं हिंदू पक्ष का वकील हूँ और कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस क्या कहेंगे और ये फैसला ऐतिहासिक फैसला है, ये माइल स्टोन है हमारे लिए और एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है। ये बहुत बड़ी जीत है, माननीय जिला कोर्ट ने जिलाधिकारी को आदेशित कर दिया है कि एक सप्ताह के अंदर जो है 1993 से जो पूजा पाठ बंद था उसको पुनः बहाल किया जाए। इस संदर्भ में जिला कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया है। हम लोगों की मांग थी कि जो भी धार्मिक क्रियाकलाएं चल रही थी 1993 तक उसको पुनः बहाल किया जाए, मतलब एक हफ्ते के अंदर जो पूजा पाठ की इजाजत है वो बहाल हो जाएगी। ये 1993 मतलब व्यास परिवार करेगा या काशी विश्वनाथ? नहीं, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को उसने आदेशित किया है, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट इसकी व्यवस्था करेगा। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बिल्कुल 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 सोहलाल जी हमारे साथ हैं। सोहलाल जी कितनी बड़ी जीत है, हिंदू समाज की बहुत बड़ी जीत है, देश के सभी सनातन धर्मियों की जीत है। 1993 में मुलायम सिंह सब मुलायम सरकार ने जो है व्यास जी को जो बैरिकेडिंग के बहाने उसको बाहर कर दिए थे, पंडित सोमनाथ व्यास जी उनके नाती शैलेंद्र पाठक जी जो है मान विष्णु शंकर जैन जी के अधिवक्ता होने के कारण जो है और इस तरह जो है आज उनकी जीत हुई और कल ही विश्वनाथ ट्रस्ट से मिलकर के हम लोग पूजा पाठ का अधिकार करेंगे, कौन पुजारी नियुक्त होगा। और दूसरी चीज जो नंदी है उधर से बैरिकेडिंग करके उधर पूजा का अधिकार के लिए पुजारियों के लिए दर्शनार्थियों के लिए उधर से आना शुरू करने की मांग हम लोग जो है। जिस मस्जिद के अंदर आप लोग लगातार पूजा की बात करते थे, ठीक है अभी शिवलिंग की पूजा की बात नहीं है, लेकिन एक अप्रत्याशित तौर पे जो चीजें सामने आई हैं उसे किस तरीके से लिखते हैं और आगे की राह कितना आसान होगा? बिल्कुल बिल्कुल विजय की है, ऐसी सीढ़ी है, हम हिंदू उत्साहित हैं और यह विक्ट्री का निशान बता रही है। खास तौर से जो है यह जो है व्यास जी के तहखाने से होता हुआ है, एक दिन जिस तरह जो है वैज्ञानिक प्रणाली से सारा हिंदू मंदिर तोड़ करके यह मस्जिद का निर्माण हुआ है। मस्जिद का निर्माण हुआ था और उसी को देखिए हमारे साथ रेखा पाठक जी भी हैं। रेखा जी क्या कहेंगी, लंबा संघर्ष आप लोगों ने किया और उसकी जो पहली सीढ़ी है वो चढ़ते हुए दिख रही है, अब मस्जिद के अंदर पूजा पाठ की इजाजत मिल गई? जरूरी हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को पूजा का अधिकार मिल गए, बहुत बड़ी खुशी हम लोग के लिए, बहुत बड़ी जीत है कि आखिर में बाबा की पूजा अभी नहीं कर सके लेकिन फिर भी आप तहखाने के अंदर जो व्यास जहाँ हम लोग को रोका जा रहा है हम लोग स्वयं अपने से जा सकते हैं, ये हम लोग की बहुत बड़ी जीत और पूरे सनातनियों की जीत हुई है, पूरे हिंदू समाज की जीत हुई। आगे का रास्ता कितना आसान हो गया इस फैसले के बाद? इस फैसले से हम लोग का आगे का रास्ता, अब हम लोग बाबा वजू खाना में बाबा कभी देखिएगा, बहुत जल्द से जल्द हम लोग जलाभिषेक करेंगे बाबा। बिल्कुल आनंद, देखिए अब इंतजार वजू खाने का है कि जो वजू खाने में शिवलिंग नुमा आकृति मिली थी उसकी भी ASI जांच हो और उसके बाद जो सच्चाई है वो सामने आए। फिलहाल जो जब ASI
की सर्वे रिपोर्ट के बाद अब ये फिलहाल एक हफ्ते के अंदर हिंदू पक्ष के लिए दूसरी बड़ी जीत के तौर पे इसे देखा जा रहा है, क्योंकि 1993 के बाद से ही जो व्यास जी का तहखाना था वहां पर पूजा पाठ बंद कर दिया गया था। उससे लेकर जो व्यास जी का परिवार था वो लगातार एक तरीके से कोर्ट के साथ साथ तमाम तरह की जो अपनी तरफ से कोशिशें थी वो किया उसने किया था। इसके बाद सितम्बर 2023 में वाराणसी की जिला जज की अदालत में याचिका दाखिल की गई थी और ये कहा गया था उसमें, इस याचिका में ये आशंका जाहिर की गई थी कि जो तहखाना है वहां पर मुस्लिम पक्ष है वो कब्जा कर सकता है, लिहाजा उस तहखाने को जिला प्रशासन को हैंडओवर कर दिया जाए। और उसके बाद 17 जनवरी 2024 को एक फैसला आता है और उस फैसले में बकायदे जिला प्रशासन जो जिला जज की अदालत है उसने इस पूरे परिसर को जिलाधिकारी को सौंप दिया। जिलाधिकारी ही अब उसकी देखरेख करे, जिला प्रशासन उसकी देखरेख करेगा। और इसके साथ ही जब हिंदू पक्ष ने वहां पर एक बार फिर से पूजा पाठ की इजाजत मांगी तो वाराणसी की जिला जज की अदालत की ओर से ये फैसला दिया गया है और एक बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। That's my colleague getting you the latest details. We have Jitendranand Saraswati, one of the petitioners in the case, also joining us on the phone line. Jitendranand ji, क्या कहेंगे, बहुत बड़ी जीत है आपके लिए, व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत दे दी गई है कोर्ट के अनुसार। पहले को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आपके माध्यम से और देश के हिंदू समाज के लिए एक बड़ी विजय के पहले कदम के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। सोमनाथ व्यास जी के द्वारा जिस तहखाने पर अधिकार था उनका, हेलो जी जी कहिए, सुन सकते हैं हम सर आपको। तहखाने पर अधिकार था वो महानिर्वाणी अखाड़े ने जीत करके ताम्र पत्र पे लिख करके पंडित सोमनाथ व्यास जी को गिफ्ट किया था और वो वहां पे पूजा पाठ होता रहा 1993 तक। 93 के बाद की जो सरकारें थी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिए, बाद में सोमनाथ व्यास परिवार ने कहा। ऑलराइट, सीम टू हैव लॉस्ट दैट लाइन विद मिस्टर जितेंद्रानंद सरस्वती, वन ऑफ द पेटिशनर्स इन द केस। लेट्स क्विकली गो अक्रॉस टू आशुतोष वंस अगेन गेटिंग अस मोर। उसमें एक जो बैरिकेडिंग से व्यवधान प्रदान करता था। नहीं नहीं, वो सब हटेगा, अब बाबा मिल गए और बाबा के पूजा का अधिकार आज प्राप्त हो गया। ये आज बहुत बड़ा दिन है, भगवान राम ने अपने आराध्य शिव का रास्ता एकदम क्लियर कर दिया। So those are several petitioners, the Mandir side of course rejoicing the court's verdict. Akanksha is with us as well, but before that let me quickly cut across to Vishnu Jain. Vishnu Shankar Jain also reacting in the latest. पूजा पाठ जो शुरू होगी तो ट्रस्ट को आदेश होगा किस तरीके से पूजा पाठ करेंगे? देखिए, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को भगवान की कैसे पूजा पाठ हो इसके लिए कोई आदेश की जरूरत नहीं होती है, उनको पता होता है कौन कौन से भगवान पूजा पाठ हो, क्या विधि हो। देखिए वहाँ पे, वही मैं बता रहा हूँ उसकी नीटी गिटीज में, वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट डिसाइड करेगा। हमारा जो लीगल काम था वो लीगल काम हमने पूरा किया है, अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के ऊपर है कि उसकी पूजा पाठ स्टार्ट। तो 7 दिन के अंदर ये पूजा शुरू हो जाएगी? 7 दिन के अंदर पूजा, ये कोर्ट ने तय कर दिया कि 7 दिन के अंदर। जी, कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा, जो कोर्ट का आदेश है मैं आपको वही बता रहा हूँ। सभी को जाने की अनुमति होगी? जी, सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने की अनुमति। जो जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं वो सारे लोग अब जा सकते हैं? जी बिल्कुल 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 जा सकते हैं। तो एक बड़ी बात होगी, एक बड़ी बात है कि जहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ जो जस्टिस के एम पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूं। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहां पे पूजा पाठ के आदेश दिए। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था उस समय? रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था, आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहां पे पूजा पाठ कैसे रोकी गई। तो अब माना जाए कि स्वामित्व के अधिकार के पहला चरण है? ये बिल्कुल पहला चरण है और बहुत जल्दी लीगल केस हम पूरा करेंगे और केस जीतेंगे। तो इसके बाद अगला लक्ष्य वजू खाने का सर्वे है? वजू खाने का सर्वे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई होगी।